First of all, good morning to everyone and welcome to my YouTube channel. Friends, B.Ed. second year में हमें पढ़ना होता है inclusive education. और inclusive education में हमारा एक topic है creative children, सृजनशील बालक. creative education जो ये subject है ना, ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा interesting है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चों को लेकर हमारे अंदर जो है बहुत तरह की फीलिंग्स, बहुत तरह के थाउट्स, ओपिनियन ऑटोमेटिक जो हैं वो जनरेट होने लगते हैं. आपके दिमाग में अनायास ही डिजेबल्ड बच्चे या किसी तरह से एजुकेशन से जो बच्चे वंचित रह गए हैं, तो उनको लेकर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती है. आप थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे इमोशन से भी जुड़ा हुआ है. उनके लिए कुछ करना है, ऐसी फीलिंग्स भी जो है एज अ ट्रेनी हम लोग के माइंड में आने लगता है. और एक चीज़ और आप लोग से ये शेयर करनी है कि मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच डिलीवर कर रहा हूँ या करता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि ये 100% जो है वो मेरे तरफ से बेस्ट हो, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल लेक्चरर. लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड एक ओवरव्यू देने का, कि आप लोग को बस ये पता चले कि ये चीज़ें हैं क्या. अगर ये हमारे सिलेबस में है तो उसको एग्ज़ाम में हम लोग कैसे लिख सकते हैं. तो मेरा बस यही रहता है कि कहीं ना कहीं आपको उस टॉपिक से अवेयरनेस जो है वो मिले, उस टॉपिक के बारे में आप जान पाए. और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिएटिव चिल्ड्रेन हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्रिएटिविटी क्या होता है, सृजन करना क्या होता है, रचना करना क्या होता है. तो इस टॉपिक पे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा. चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि क्रिएटिविटी किसे कहते हैं. व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी को हम लोग सृजनात्मकता या रचनात्मकता के नाम से भी हम लोग जो है इसे जानते हैं बेसिकली, और इसी टॉपिक को हम लोग जो है अभी डिस्कस करेंगे. तो क्रिएटिविटी कहने का मतलब है कि कॉमनली ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी वस्तु के बारे में या किसी कोई घटना के बारे में जब सोचते हैं या थिंक करते हैं उस पर, तो क्या होता है कि हमारे मन मस्तिष्क में उससे रिलेटेड बहुत सारे विचार, उससे रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ओपिनियन ऑटोमेटिक जो है हमारे अंदर, हमारे मनास्थली में, हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगते हैं. जो विचार हमारे अंदर बना, जो थॉट हमारे अंदर बना, और उन विचारों को जब हम व्यवहारिक रूप में, जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब उन बातों पे सोचते हैं, तो सोचने के दौरान कुछ बातें हमारे सामने आती है कि क्या जो बातें आ रही हैं क्या वो सही है, क्या वो बात गलत भी हो सकती है, उसे क्या फ़ायदा है, उसे क्या हानि है, उसका कौन सा पक्ष है, उसका कौन सा पक्ष विपक्ष है. तो जब हम लोग इस स्थिति में आ जाते हैं कि उनसे रिलेटेड बातों के बारे में सोचने लगते हैं, तो हम लोग जो है उसको क्या कहते हैं कि सृजनात्मक चिंतन कहते हैं. कि अब हमने क्या किया है कि जो विचार उत्पन्न हुए हैं उसके बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया है. इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि रोड पर कोई सामान अगर गिरा हुआ है और बस और गाड़ियां काफ़ी आ जा रही हैं, तो अनायास ही हमारे दिमाग में बात आती है कि क्या उस पार जाना सही होगा, क्या वो सामान उठाना सही होगा, वो सामान किसका हो सकता है, क्या उस सामान के खोने से किसी का नुकसान हो सकता है. तो हम चिंतन करना ऑटोमेटिक ये हमारे दिमाग में शुरू हो जाता है. और यही बातें जो बात आपको सबसे ज़्यादा डोमिनेंट करती है, यानी उसकी सार्थकता, वो चीज़ निकल के हमारे सामने आती है, एक फाइनल जजमेंट हमारे सामने आ जाता है कि अब हमें क्या करना है. और इन सारे चीज़ों को ही लेके
हम क्या करते हैं तो एक विचार बनाते हैं और इन्हीं विचारों के एक समारूप को हम लोग जो है सृजनात्मक चिंतन के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अब इसमें कि इसके जो हैं कुछ डेफिनेशन है, क्रिएटिव थिंकिंग को जो है डिफाइन किया है। और सबसे पहले हैं इसमें प्रोफेसर एस के दुबे। प्रोफेसर एस के दुबे कहते हैं कि सृजनात्मक चिंतन का आशय उन कार्यों से है, उन एक्टिविटीज से है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं तो नए विचार जो हैं वो उत्पन्न होता है, वस्तु और व्यवस्थाओं का सृजन संभव होता है। क्योंकि आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें सोचते हैं, उसके फेवर डिसफेवर दोनों बातें आप सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंतन हमारे पुराने वस्तुओं में कुछ नयापन लाने का ये हमेशा प्रयास होता है। दूसरा मति आर के शर्मा, उनका कहना है कि सृजनात्मक चिंतन का आशय मस्तिष्क उद्वेलन की उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी एक विषय पर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि अगर सड़क पे कोई सामान गिरा है तो उसको लेके अनायास आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने प्रारंभ हो जाती हैं। उन विचार के आधार पर नवीन एवं उपयोगी वस्तुओं एवं विचारों का सृजन होता है। जो भी चीज़ हम सोच रहे हैं, अनेक तरह की जो विचारें आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रोमिनेंट है, उनमें सबसे ज़्यादा क्या प्रभाव डाल रहा है, उन बातों को हम अपने सामने लेके आते हैं। एक एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं कि एक दिन आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, जेम्स वाट। तो जेम्स वाट एक दिन घर के बाहर बैठे होते हैं और उनके किचन से जो है कुछ आवाज़ें जो हैं वो सिटी टाइप आती है। तो जब जाके वो देखते हैं तो उनको दिखता है कि कितली जो है उसका ढक्कन भाप के वजह से बार बार वो ऊपर जा रहा है और बार बार नीचे जा रहा है। अब देखिए तो ये एक सामान्य सी घटना है जो हमारे डेली लाइफ में आए दिन ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे सोचा कि भाप के वजह से ये ढक्कन बार बार ऊपर जा रहा है और भाप के वजह से ये ढक्कन नीचे जा रहा है, और इन्हीं विचार में उन्होंने कुछ अपने विचार को शामिल किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि भविष्य में चल के जेम्स वाट ने हमारा जो है भाप इंजन का आविष्कार किया। राइट ब्रदर ने धूल कण को उड़ते हुए देखा जब उनकी माँ ने फूंक लगाया, तो उनसे उन्होंने जो है हेलीकॉप्टर का निर्माण किया। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हमारे लाइफ में हैं जो बहुत ही सामान्य लगते हैं, लेकिन जब उन पर विचार करते हैं तो वो बातें हमारे लिए जो है असामान्य हो जाती है। तो क्रिएटिविटी असल में क्या है कि ये हमारा भौतिक है, ये हमारे चीज़ों से संबंधित है। आपके विचारों जब तक आएंगे नहीं तब तक आप नई चीज़ें का निर्माण आप नहीं कर सकते। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्रिएटिव थिंकिंग है वो उसका जो बेस है वो हमारा जो है न्यू थॉट्स और जो भी हमारा यूजेबल थिंग्स हैं उसको क्रिएट करना है। अब बहुत सारी चीज़ें पहले ज़माने में देखिए, बैलगाड़ी की ही बात कर लेते हैं, पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, समय ज़्यादा लगता था, एफर्ट ज़्यादा लगता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ता था। आज हमारे पास क्या है, इतने हाईटेक जो हैं ट्रांसपोर्टेशन के जो हैं साधन हैं। कम्युनिकेशन की अगर बात करें, पहले जो है कम्युनिकेशन के लिए जो है बहुत बहुत दिन लगते थे, आज हम सेकंडों में बात कर पाते हैं, देश विदेश जो एक दूसरे को देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे क्रिएटिव थिंकिंग के ही वजह से आज हम लोग जो हैं क्रिएटिव चीज़ें बना पा रहे हैं। तो ये एक हमारा एक बेसिक है। इससे हमारा क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग से कि क्या है कि हमारा क्रिएटिविटी बढ़ता है। क्रिएटिविटी आने से आपके स्किल में भी जो है वो इन्हांसमेंट आता है, आपका स्किल, आपका कौशल, उसमें भी विकास देखने को मिलता है। और क्रिएटिविटी हर बच्चे में, हर इंसान में नहीं हो सकता है। आप एक चीज़ ये भी देखते होंगे कि जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे में क्रिएटिविटी होगी ही। कोई एक मध्यम पढ़ने वाला बच्चा भी वो क्रिएटिव हो सकता है। डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्रिएटिव बालक को हम लोग पता कैसे लगाएं कि ये बच्चे में क्रिएटिविटी है, और अगर हम जान गए कि इसमें क्रिएटिविटी है तो उसको बाहर कैसे लाएं।
तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्रिएटिविटी बेसिकली क्या है कि ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार जिसके माध्यम से हम नई नई चीज़ों क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो क्रिएटिविटी बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा ये भौतिक जगत, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसे बोलते हैं, उससे हमारा रिलेटेड है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।